सबसे पहले मैं अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था क्योंकि मैं शुरू से ऊपर नंबर्स पे खेलता आया हूँ, तो बट एज अ प्रोफेशनल मैंने अपने माइंड को यही समझाया कि जहाँ पे भी आपको जिस सिचुएशन पे भी बैटिंग मिले, ख्वाह वो लास्ट ओवर्स में मिले या मिडल ओवर्स में या ऊपर, तो आपको एज अ प्लेयर आपको किसी भी नंबर पर खेलना आना चाहिए। तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कि मेरे को लो डाउन दी ऑर्डर भी बैटिंग मिली और मैंने प्रूव किया, और जिस तरह भी ऊपर बैटिंग मिली उसी तरह मैंने खेला, बट अनफॉर्चुनेटली मैं फिनिश नहीं कर सका, जो कि मुझे थोड़ा दुख है, लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ये अच्छी इनिंग्स मैंने खेली। मैं हार्ड वर्क करता रहा, मैं इंग्लैंड टूर पर भी गया तो कीपिंग पर काफ़ी वर्क किया और मैनेजमेंट ने काफ़ी देखा, वहाँ पे बैटिंग पे भी वर्क किया। और दूसरा ये कि जब मैं वहाँ से इंग्लैंड से आया तो मैंने अपनी बैटिंग पे, पावर हिटिंग पे और दूसरी उस पर काफ़ी वर्क किया, तो उसी का ये नतीजा है कि अच्छी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। आई थिंक शादाब भाई बेस्ट हैं क्योंकि वो ख़ुद भी यंग है तो पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं, ख्वाह वो फील्ड में हो या बैटिंग में कोई भी जाए तो शादाब भाई काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और दूसरा ये कि मैनेजमेंट भी काफ़ी भरोसा करते हैं हम पे, और वसीम भाई यही समझाते हैं कि जहाँ पे भी मौका मिले आपको प्रूव करना है। तो मेरे जहन में भी यही है कि जहाँ पे भी मैनेजमेंट जो भी रोल दे मैं वो पूरा करूँ। अभी तो हमारा विनिंग कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लाइक मैचेस जीत रहे हैं, तो यही कैरी करेंगे। मेरा यही गोल है कि जहाँ पे भी मुझे मौका मिले तो मैं इसी तरह खेलता रहूँ और फिनिश करूँ। अगर ऊपर बारी मिलती है तो मैं मैच फिनिश करूँ, और दूसरा ये कि एंड पे अगर बारी मिलती है तो उस रोल को भी अच्छा फिनिश करूँ। तो यही मेरे माइंड में है और इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश करूँगा।